जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, मंगलवार का दिन 24 जनवरी माघ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि वर्यान योग सतविशा नक्षत्र रात 9:58 तक स्वामी जिसका राहु है, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जिसका स्वामी बृहस्पति है अपने प्रभाव से आपको प्रभावित कर रहा है। आपकी कुंडली में राहु बृहस्पति का प्रभाव है, शनि बुध की दृष्टि है और चंद्रमा की छाया है। चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि और शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। राहु बृहस्पति का प्रभाव जबरदस्त तरक्की उन्नति सफलता कामयाबी सुख धन लाभ आपको देगा। बड़े भाग्यशाली आप होंगे। आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्य लेकर आया है, प्रभावित करेगा। तुला राशि वालों के लिए राहु और बृहस्पति दो ऐसा ग्रह है, एक आपके अंदर शक्ति देता है, दूसरा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज आपकी कुंडली में राहु बृहस्पति का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, शनि और बुध की दृष्टि है। बड़ा भाग्यशाली आप हैं। बड़ा सुंदर समय आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, जो आपके किस्मत को भी चमकाएगा, आपके इरादों को मजबूत बनाएगा, आपके साहस को बढ़ाएगा। अपने सामर्थ्य और बुद्धि के बल पर जीवन में आप तेजी से तरक्की करेंगे। बड़ा समृद्धशाली आपका व्यक्तित्व होगा, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। और सतविशा नक्षत्र का राहु बड़ा रहस्यमय होता है, आपके मजबूत स्थिति और आकर्षक व्यक्तित्व आज आपको प्रभावशाली बनाएगा। आपके अंदर जो आकर्षण है, आपका जो साहस है, यही तो आपकी शक्ति है, यही तो आपको प्रभावशाली बनाता है। और आप अपने प्रभाव से सकारात्मक परिणाम पाते हैं, यानी आपका प्रभाव इतना अच्छा होता है, जहां भी जाते हैं दूसरे को प्रभावित कर देते हैं। आपके प्रभाव से व्यक्ति खींचा चला आता है आपके पास, और आप जो बोलते हैं आपकी बात वो मानता भी है, और आपके कार्य को करने के लिए बाध्य भी हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर राहु और बृहस्पति की जो शक्ति है बड़ा सामर्थ्य आपको देता है, बड़ा बुद्धिमान बनाता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपके काम की प्रशंसा होती है, मेहनत आपको तरक्की देता है और अपने जीवन में आप बहुत कुछ पा लेते हैं। यानी आपके लिए सुख संपत्ति उन्नति सौभाग्य धन सब कुछ प्राप्त होता है, जब राहु की स्थिति बेहतर हो जाती है। जब राहु प्रबल होकर अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करता है तो जीवन में उमंग बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। जीवन की कठिनाई जीवन की बाधा तो तब समाप्त हो जाती है जब आपके अंदर उत्साह होता है, उमंग होता है, कुछ पाने की इच्छा शक्ति होती है, कुछ करने का सामर्थ्य होता है, तो आपके जीवन से कष्ट बाधा आसानी से दूर हो जाता है। अभी आपकी कुंडली में राहु बृहस्पति का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, शनि और बुध की दृष्टि है। आज चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव में शनि के साथ बैठा है, साथ में शुक्र भी है, तो तीन ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं, जिसमें चंद्रमा की स्थिति और शनि की स्थिति बिल्कुल अलग है। चंद्रमा आपके परिवार में सुख लेकर आया है, तो शनि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग खोल रहा है। वहीं शुक्र पंचम भाव में बैठकर आपके लिए सुखी जीवन का योग बना रहा है, आपका जीवन बड़ा सुखी होता है, आप बड़े भाग्यशाली होते हैं, आपके अंदर उत्साह होता है, उमंग होता है। आज आपकी कुंडली के सुख भाव में सूर्य का गोचर है।
सूर्य जो आपके लाभ स्थान का स्वामी है, सुख स्थान में बैठा है, कर्म स्थान को देख रहा है, तो बेहतर लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे, अपने काम से आपको खुशी भी मिलेगी और विजय प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी होगी। चमकता हुआ भाग्य है, चमकता हुआ भाग्य का सितारा है तुला राशि वालों के लिए। समय बड़ा शुभ है क्योंकि लग्न के ऊपर केतु का गोचर है। छठे भाव में इस समय मंगल की दृष्टि है और मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। राहु की शक्ति अपार होती है, चमकते हुए भाग्य को और भी ज्यादा चमकाना राहु किसी भी काम को अचानक करता है, आपके काम की गति को अचानक तेज करता है। अचानक आप ज्यादा धन कमा लेते हैं, अचानक ही जीवन का सुख पा लेते हैं, कुछ काम आपके जीवन में अचानक हो जाता है। आपकी जीवन से नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की शक्ति भी राहु के अंदर है और अशुभ प्रभाव को खत्म करने की शक्ति भी राहु के अंदर है और सतविषा नक्षत्र का राहु तो शुभ फल देता है। आपके कदम तरक्की के रास्ते पर बढ़ते हैं, उन्नति आपके जीवन में हो जाती है और आपके इरादे बुलंद हो जाते हैं। सतविषा नक्षत्र का राहु बहुत कुछ देकर चला जाता है और आपके जीवन में सुख बढ़ जाता है, शुभता की वृद्धि होती है। राहु हमेशा कष्ट नहीं देता, राहु की शुभ स्थिति तो किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है और राहु शुभ फल देता है तो आपकी जीवन में खुशी भर जाती है, धन की बरसात हो जाती है, उन्नति मिलती है, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, धन सौभाग्य आपका बढ़ता है। वहीं पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का बृहस्पति आज आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है। बृहस्पति जो चंद्रमा मंगल सूर्य की शक्ति को बढ़ाता है, बृहस्पति जो जीवन में शुभ फल देता है, बृहस्पति में बड़ा सामर्थ्य होता है। आपके जीवन की खुशी, आपके जीवन की तरक्की, आपके जीवन का सुख है, सब कुछ तो बृहस्पति से प्राप्त होता है। बृहस्पति की शुभ स्थिति आपकी किस्मत को बदलता है। तुला राशि वालों, आज आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आज आपके जीवन में ज्यादा सुख मिलेगा, बड़ी सफलता कामयाबी आप पा लेंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे होंगे और आपके जीवन में बड़ी तरक्की का योग भी बनेगा। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि है, तृतीय चरण का स्वामी मंगल है, चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। राहु बृहस्पति का प्रभाव है, सतविषा नक्षत्र का राहु और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति आपके जीवन में शुभ फल लेकर आया है। आज ब्रह्म मुहूर्त 5:26 राहु के प्रभाव से दिन की शुरुआत होगी, जबकि रवि मुहूर्त आपके लिए 7:13 से आरंभ होगा, जब आपके जीवन के कष्टों का समाधान होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 12:12 शनि की दृष्टि होगी। जीवन में तरक्की के लिए शनि की दृष्टि आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु का प्रभाव है, शनि राहु की स्थिति को मजबूती दे रहा है। शनि के तृतीय भाव में राहु बैठा है, शनि के पराक्रम में राहु का गोचर है, तो राहु अपने काम को अच्छे से निभाएगा और राहु के कर्म में शनि का गोचर है तो राहु आपको सही रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। विजय मुहूर्त 2:20 जीवन में सुख धन सौभाग्य की प्राप्ति। अमृत काल 3:30 जीवन में तरक्की और लाभ। आज का राहु काल 3:13 से 4:33 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर नीला होगा, लकी नंबर 5 होगा, तो बड़े भाग्य के धनी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। आज राहु बृहस्पति आपके जीवन में शुभ फल लेकर आया है, कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा,
आपकी सुंदरता निखरेगी, आपके जीवन में अच्छा परिणाम मिलेगा। भाग्य का सितारा जो बुलंद है आपके लिए तरक्की सुख सौभाग्य देगा, आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके जीवन में सौभाग्य का योग बनाएगा। भगवान आपके जीवन में बहुत कुछ देंगे, नई जीवन शक्ति का उदय होगा जो आपके लिए बड़ा शुभ होगा। बड़े भाग्यशाली आप हैं, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, सौभाग्य मिलेगा, धन तरक्की होगी, आपके लिए समय शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। सत्विशा नक्षत्र जीवन के अंधकार को दूर करता है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आपके जीवन में खुशी लेकर आता है। तो तुला राशि वालों, आज आपके राशि फल में सुख है, सौभाग्य है, धन है, लाभ है, यानी आपका जीवन धन धान से परिपूर्ण होगा, आपके लिए तरक्की का योग है, भाग्य का सितारा बुलंद है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री